जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अर्जायानं नमो लोहि सबसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु सास। एक बात सोचता हूँ कि मैं प्रवचन करने के बजाय वर्कशॉप करूँ। मेरे बहुत दिनों से दिमाग में चलती है, जब भी प्रवचन करता हूँ कोई कक्षा लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वर्कशॉप करूँ। वर्कशॉप थोड़ी अलग प्रकार की होती है और अभी वर्कशॉप तो नहीं हो रही है इसलिए आपको फायदा कम होगा, लेकिन जो भी है मैं करता हूं। यदि मैं वर्कशॉप करता तो मैं क्या कहता और क्या कराता वो बताता हूं आपको। मैं आप सबको एक पेपर दे करके एक घंटा फ्री छोड़ता हूं, दो घंटा फ्री छोड़ देता हूं। आप लिख के बताओ कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। बच्चे के ऊपर चांद के ऊपर आवरण आ गया। बच्चे को आगे बैठा है, छोटा बेटा आ गया। बैठे बैठे कोई बात बैठे। हर मम्मी पापा ये सोचते हैं मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, तो आपको सबसे अच्छी की परिभाषा क्या है सोच रहे सभी लोग। हर माँ के अरमान होते हैं मेरा बेटा डॉट 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 खाली स्थान, तो अब आगे भरो कि आपका बच्चा कैसा हो। बहुत खराब शब्द याद आ रहा है, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। एक होता है वीर और एक होता है कायर। कायर थोड़ा अच्छा शब्द मिल गया मुझे, मैं नपुंसक कहने वाला था लेकिन वो अच्छा शब्द मिल गया तो कायर कह रहा हूं। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ आप लिख के बताओ मुझे, लेकिन एक वर्कशॉप नहीं इसलिए नहीं लिखोगे आप, नहीं तो मैं रियली आपसे लिखवाऊं कि आप अपने बच्चों के बारे में अपनी बच्चियों के बारे में क्या सोचते हो, आप उनकी लाइफ कैसे डिजाइन करना चाहते हो। इस समय मेरे दिमाग में एक लाइफ डिजाइनिंग कोर्स चल रहा है, मैंने साल भर का कोर्स है वो, मैं सिखाना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में आया कि लोगों के पास लाइफ डिजाइन नहीं है। ब्रह्मचर्य ले लेते हैं और 99% के पास लाइफ डिजाइन नहीं। क्या होता है लाइफ डिजाइनिंग, इस पर तो अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मेरे दिमाग में घूम रही है और मैं ऑफर करता हूं जिन्हें लाइफ डिजाइन करना तो मेरे पास आए। विज्ञापन भी दे रहा हूं मैं तो इतनी देर में आप समझ गए आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे, वीर या कायर। तो मैं नहीं समझता कोई कहेगा हम अपने बच्चे को कायर बनाएंगे, सब बोलेंगे हम वीर बनाएंगे, बोलेंगे तो ऐसे मुझे पता ही है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं परिभाषा। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग डिस्टर्ब नहीं करो बेटे, बीच में डिस्टर्ब नहीं। अच्छा पहले आके बैठ जा अच्छे से, सभी लोग ध्यान से सुनना। आप क्या चाहते हो, आपका बच्चा इजी गोइंग पास होता चला जाए, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सब हमारे बच्चे को सपोर्ट करें, हमारा बच्चा फैसिलिटी में रहे, बच्चे को कोई कष्ट ना हो पाए, बच्चे को कांटा ना चुभे, बच्चे का पैर ना मोचे, बच्चे को कोई चिढ़ाए नहीं, बच्चे को कोई दुख ना दे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने बच्चे को कायर बना रहे हो। आप बच्चे के सुख के बारे में क्या लाइफ सोचते हो बताओ। बच्चा हमारा सुखी हो, मतलब सुखी होने का मतलब क्या है आपका, उसे सर्व अनुकूलता बनी रही तो कायरता है।
मैं कल आपको एक कविता पढ़ के सुनाऊंगा बहुत प्यारी कविता है, बच्चों ने शायद पढ़ी हो, बरदान नाम की एक कविता है इनके अपने, क्या नाम है इनके, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी एक कविता है, मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया कविता है। तो बोलो आप क्या चाहते हो अपने बच्चे को, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची सीता की तरह संघर्ष करे, द्रौपदी की तरह संघर्ष करे, अंजना की तरह संघर्ष करे, संकट आने पर देह छोड़ दे लेकिन सील ना छोड़े, जिस आईसी है ये वीर है, हमारे बेटे को करोड़ों का प्रलोभन बनाने पर भी उसके मन में मिलावट ना आए, भ्रष्टाचार नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, सारा जगत उसके अपोज में खड़ा हो जाए, अभिमन्यु की तरह कोई घेर ले तो भी मेरा बेटा अभिमन्यु की तरह देश छोड़ दे। अब इस समाज सोचते हो तो ये तुम समझ लो कि तुम वीर सोच रहे हो, तुम्हारा बच्चा वीर बने। दो विजन समझ आ गए, वीर और कायर। सोचना बेटे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं केवल सुना नहीं रहा हूँ, सोचना सभी लोग। आप क्या चाहते हो, आपको संकट आए, संघर्ष करना पड़े या अनुकूलता मिलती चली जाए? लगभग 90% बच्चियों की मम्मी बच्चियों को कायर बनाती हैं। कायर क्यों कह रहा हूं, हे भगवान हमारी बेटी के लिए ऐसा घर मिले जिसको रसोई ना बनाना पड़े, वहां बर्तन नहीं बांजने पड़े, और बीमार ना हो कोई सास ससुर कोई, और एकल परिवार हो, और बिल्कुल हमारा बच्ची को बिल्कुल ऐसे हाथ पे रखें। तो ये तो कायरों की निशानी है। सीता इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुई, अंजना इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुई, द्रौपदी इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुई, शेर सुदर्शन इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए, कांजी स्वामी इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए, आचार्य कुमकुम स्वामी इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए, सबने संघर्ष किया है। अब समझ गए, थोड़ा सा इशारा कर दिया, तुम अपने बारे में लाइफ डिजाइन करो और अपने बच्चों के सबसे सबको सोचो बेटे, मुस्कुराना चाहिए, बच्चों की भाषा में समझा दूं थोड़ी देर, सुनोगे बेटे लोग हैं? तुम क्या चाहते हो, जब क्रिकेट खेलो तो कोई लुढ़का हुआ गेंद फेंके क्या बच्चे कहते क्या अच्छी गेंद फेंका, अच्छी गेंद, ये कहीं तो आ गई नहीं बल्ला पर। अरे मजा तो तब है जब वर्ल्ड का धुरंधर बॉलर हो और धुरंधर बॉलिंग कर रहा हो, दी बेस्ट बॉलिंग, और फिर सचिन तेंदुलकर छक्के पे छक्का मार रहा है, मजा कब आता है बोले, कौन देखेगा बोलो, टीवी पे क्रिकेट मैच कौन देखेगा, मान एक गेंद लुढ़का ही ऐसी ठुल्ला कर दे। समझ में आया भैया, ये 11 खिलाड़ी होते हैं ना, ये क्यों चाहे जाते हैं, इनकी एक एक की संघर्ष की स्टोरी है, और सब क्षेत्रों में देख लेना आप, संघर्ष की स्टोरी है। अब समझ गए कि कायर बनाना है कि वीर बनाना है, ये सोचो आप बेटे, समझ गए बच्चों लोग? हो सकता है तुम्हें हमारी बात बार बार सुन के ऐसी लगती हो, हाउ इनको बस चले तो ना मोबाइल देखो ना वीडियो खेलो, एक दो महिलाओं के भी प्रश्न आए होंगे किसी के माध्यम से, तो फिर हमारे मोड़ा को बिल्कुल ही जमाने से पिछड़ जा है। वो ही तो दुनिया की दौड़ में दौड़ेगा, फिर भाई सब लल्लू नहीं कहेंगे क्या, हमारा बच्चा मैंने आजकल भी खराब भाषा में हमारा बच्चा भी चालू होना चाहिए। चालू खराब शब्द है, मैंने चालू का मतलब ही, मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप अपने बच्चे को वीर बनाना चाहते कि कायर? आइए सोचने के लिए प्रश्न छोड़ा है, आप सच में लिखो कि आप अपने बच्चे बच्चियों में क्या चाहते हो, मैं सबसे कह रहा हूँ ये बात सोचना। आइए, सबके पास ख्वाब तो होते हैं लेकिन ख्वाब को शब्द देने की ताकत लगभग नहीं होती है, मैं नहीं समझता हूँ सभी लोग लिख पाएंगे। तो मैं अब्राहम लिंकन का एक लेटर जिन्होंने अपने बच्चे के टीचर के लिए लिखा था, मैं आज उसे पढ़ के सुना रहा हूँ, इसके बाद टाइम बचेगा तो एक लेटर और पढ़ूंगा, माँ का बेटे के लिए लेटर, फिर भी एक समय होगा, आज तो नहीं बचेगा इतना समय, मुझे दोनों ही पत्र पूरे करने में समय लग जाएगा, फिर एक पत्र और मैं आपको पढ़ने को दे दूंगा, आप पढ़ लेना, मेरा कलेक्शन है, मुझे अच्छा लगता है मैं कलेक्ट कर लेता हूं।
कितना गरिष्ठ लेटर है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत गरिष्ठ। मैंने आपको उनकी इंग्लिश की कल्पना करी कितनी गजब लिखा होगा ना। उन्होंने लिखा, श्रद्धे गुरुजी, जब उनका बच्चा छोटा था, बहुत छोटा था, 4 साल का 5 साल का, और स्कूल में एडमिट हुआ, तो उस दिन उन्होंने एक लेटर लिख के दिया, श्रद्धे गुरुजी उसे सिखाएं कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते। सुन रहे बेटे, सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते। तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। सभी टीचर न्यायप्रिय नहीं होते, अच्छे पढ़ाएं जरूरी नहीं है। सारे कर्मचारी अच्छे न्यायप्रिय हों जरूरी नहीं है। सारे दुकानदार और व्यापारी न्यायप्रिय हों जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप सबसे न्याय की अपेक्षा मत रखना, जरूरत पड़े तो आपको साहसी बनकर के युद्ध भी करना पड़ सकता है, न्याय के लिए दंड भी देना पड़ सकता है। साम, दाहम, दंड, भेद, ये 4 काम करने पड़ सकते हैं। एक लाइन में कितना लिखा हुआ सोच रहे हो आप? मेरे बेटे को सिखाएं कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते। इसका मतलब 100% लोग खराब होते हैं ये नहीं कह रहे हो, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ न्यायप्रिय भी होते हैं, मैंने उसे छांटना आना चाहिए। सुन रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं मार्केट में सारी सब्जियां सड़ी नहीं होती। सारी सब्जियां अच्छी नहीं होती, मैंने कुछ अच्छी भी होती हैं, मैंने तुम्हें छांटना आना चाहिए। सारे दुकानदार अच्छे ही नहीं होते, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, तो अच्छे दुकानदारों की पहचान आना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की पहचान आना चाहिए। स्कूल में काय के लिए भेजते हैं बच्चों को? इसके लिए भेजते हैं। सोचा कभी स्कूल में काय के लिए जाते हैं? ये समझने के लिए कि सभी लोग यदि अच्छे नहीं होते तो कुछ लोग अच्छे, उन्हें कैसे छांटोगे आप? सारे टमाटर सड़े नहीं है तो जो अच्छे टमाटर हैं उन्हें कैसे छांटोगे? बहुत गरिष्ठ लाइन है। आगे, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, मगर संसार में दुष्ट होते हैं तो आदर्श नायक भी होते हैं। आप हमारे बच्चे को ये जरूर सिखाएं। समझ लो, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, ये पाठ हर घर में चिपका होना चाहिए। समय समय पर बच्चों को समझाएं, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, सत्य बोलने वाले नहीं होते, सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते, मगर संसार में दुष्ट होते हैं तो आदर्श नायक भी होते हैं। मैंने जब ब्रह्मचर्य लेना था मुझे, उस समय बहुत निराशा का माहौल था, बहुत निराशा का, शिथिलाचार था, खान पान की शुद्धताएं नहीं थी, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें थी, कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई थी कि बड़े बड़े पद पर रहने वाले कुशील में बदनाम हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं तमाम हो रही थी, तो मुझे बहुत मैंने हताशा हो रही थी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उस समय तक मुझे पंडित साहब भी नहीं मिले थे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बहुत अंदर अंदर 24 घंटा बेचैन रहता था, मैं क्या करूं। तो ये पीड़ा मैंने भोजन करते करते माँ को बताई, कैसे ब्रह्मचर्य लूं, चारों तरफ शिथिलाचार है, खान पान का विवेक है, समाज ऐसा वैसा तमाम। तो उस दिन मुझे इस लाइन का भाव मम्मी ने बताया था, मुझे इसमें मिलता है। उन्होंने कहा, सभी लोग शिथिलाचारी हो तुम उन्हें मत देखो, यदि आचार कुन-कुन निकले तो वे कैसे निकले उन्हें देखो, यदि कोई सफल हुआ है आदर्श महानायक तो उन्हें देखो, कांजी स्वामी हुए तो वे कैसे इसी माहौल में से निकले हैं, अब उन्हें देखो। इस पर मेरा बहुत चिंतन चला, बहुत। समझ गए बच्चों लोग, सुन रहे ध्यान से, कभी हताश मत हो। सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्टाचार करें, सब बेईमानी करें तो हम बेईमानी करें, नहीं, कोई आदर्श नायक है उसे खोजो। मैंने उसका एक दृष्टांत देता हूं बच्चों के लिए, बाढ़ में हजारों लोग डूब रहे, कुछ लोग ऐसे थे 10 कदम जाके डूब गए थे, किनारे से 10 कदम पहले भी डूब गए, कुछ किनारे से 2 कदम पहले भी डूब गए, तुम क्या करोगे बता सकते हो? अपन बचने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर डूब गए, क्या करोगे? बोलो बोलो बच्चे लोग, बोलो बाढ़ में से क्या करोगे? वो एक कैसे निकल गया वहां से, इसी बाढ़ में से एक आदमी कैसे बचा उसे देखो। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, सभी लोग समझना बेटी।
नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ मगर संसार में दुष्ट होते हैं तो आदर्श नायक भी होते हैं। जिंदगी में हमेशा फेलुअर को देखोगे ना तो आपको डिप्रेशन आएगा। आप उनको देखो, एक भी व्यक्ति सफल कैसे हुआ। बच्चे लोग जब भी मुझे मिलते हैं ना स्कूल कॉलेज के, क्या बताएं पंडित जी आपके जमाने के स्कूल कॉलेज अच्छे थे, आजकल के तो आजकल का तो जमाना खराब है, मोबाइल खराब है, टीवी खराब है, इंटरनेट खराब है, आज तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे जमाने में भी ऐसे ही था। आपको समझ में आया क्या करना है आपको? आदर्श नायक भी है। ढूंढो आप, जो पापाचार करना चाहते हैं वो अच्छे लोगों को ढूंढते नहीं, आदर्श नायक भी हैं। आगे होते हैं घाक दुश्मन तो संरक्षण देने वाले दोस्त भी होते हैं। यदि धोखा देने वाले हैं इस दुनिया में तो कहीं अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्त के ऊपर मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर है पहले का दिया हुआ, वो आप चाहो तो सुनना। हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको मिल जाएगा वो। ये जो पूरा मिलेगा ना, क्या कहलाता है, पैक अप पूरा सब्जेक्ट का, तो उसमें उसको भी डाल देंगे, हेल्थ के भी डाल देंगे जो मैं पहले कर चुका हूँ अच्छे से, वो चौका निर्देश वाले भी 6 घंटे के इसमें डाल देंगे। तो आपको जो सुनना है आप सुनना, सभी लोग सुनना, 10 बार सुनना। फ्रेंड कैसा होना चाहिए आप ढूंढो, हताश मत हो। अनंत जन्मों के पुण्य के उदय से मित्र मिलते हैं, बढ़िया। अनंत जन्मों का बहुत पुण्य का उदय, तो अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छी संतान मिलती है, अच्छे गुरुजन मिलते हैं, ये बहुत जन्मों का पुण्य का फल है। और ये मैं कहना चाह रहा हूं, आपने अनंत जन्मों में पुण्य किया इसलिए इतने अच्छे देवसाज गुरु मिले। हताश मत हो ना, हमने तो अनंत जन्मों में कुछ किया ही नहीं, नहीं किया होता तो यहां नहीं बैठे होते अभी आप। जितने लोग आए हो ना, ये बहुत पुण्य की वजह से आए। पंडित साहब तो हमेशा प्रसन्न होकर कहते हैं हताशा का कोई कारण ही नहीं बचा हमारे पास, इतना बढ़िया शरीर मिल गया, स्वस्थ देवसाज गुरु मिल गए, मंद कसाय मिल गई, सब कुछ मिल गया। पंचम काल में जो चीज अंबानी को नहीं मिली वो मिल गई अपने को, जो टाटा बिरला को नहीं मिली वो अपने को मिली है। जब हम पंडित साहब को कहते ना हमारा दुर्भाग्य है, मैंने कोई बात पे कह दी मेरा दुर्भाग्य है, तो वे हमेशा कहते दुर्भाग्य है नहीं, तुम सौभाग्य को समझ नहीं पा रहे, इतना दुर्भाग्य है। तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते, ये दुर्भाग्य है। उन्हें तो लिख के बताओ तुम्हें क्या कमी है, बताओ ऐसे पंडित साहब कहते, लिख के बताओ क्या क्या दुर्भाग्य है तुम्हारे, बोलो सच में। पंडित साहब मिल गए बहुत महाभाग्य हो गए हम लोगों का, यदि सही पंडित साहब नहीं मिले होते तो मेरी जिंदगी कहां जाती मुझे पता नहीं। गुरुजनों का बहुत बहुत महिमा आती है, कभी हताश नहीं होने दिए पंडित साहब ने, कभी भी कितनी भी कुछ बात हो जाए तो अभी हम कहते हैं हमें अनंत दोष हैं, झूठ बोलते हो, अनंत दोष हैं, बताओ लिख के बताओ कितने दोष हैं। दो चार से दोष हैं, बाकी अनंत गुण हैं, जब दोष हैं दोष हैं। यानी कहां से रट ली तुमने ये विद्या, कहा पढ़ा था, कहा प्रवचन करा था। अनंत दोष, पंडित साहब एक बार बोले सारी रसोई बढ़िया है, इतना सा नमक कम है बस। भाई सारी रसोई बढ़िया है, मान लीजिए कहते तुम्हें सब कुछ अच्छा है, इतना सा कम है बस। एक बार मेरी आंखों में आंसू थे, बहुत नम्रता से मैंने कहा पंडित साहब आपको जितना मैं समझता हूं ना उतनी विनय नहीं है मेरे पास, मैंने मेरे कुछ विनय नहीं है, आपकी कितना आदर करना चाहिए मुझे कुछ है ही नहीं। तो बोले विनय नहीं होती जैसे हाथ जोड़े काल खड़ी है, बिना है सियाद बात है नहीं है, ये भी सही बात है और है। मन पंडित साहब के सियाद बात के उत्तर अद्भुत हो गए। कभी मत सोचो खुद पे, आप अपने बारे में नहीं बच्चों के बारे में सोचो, ये बच्चा हमारे हीरा है। नागपुर में यदि सबसे बढ़िया कोई काम है तो इन 50 बच्चों को हॉस्टल में रख करके इन्हें धर्मात्मा बनाना, ज्ञानी बनाना, भविष्य का भगवान बनाना, इनको गड़धर होने लायक बनाना, ये विश्व का सबसे बड़ा काम है। नागपुर में इससे अच्छा काम नहीं हो रहा कहीं, जितना अच्छा काम ये है। आप समझते क्या हो, इन बच्चों को कम मत समझो और इतनी महिमा के साथ पढ़ो पढ़ाओ। चलो
मैं तो धीरे चलूंगा तो धीरे लेटर भी पूरा नहीं होगा। क्या बढ़िया लगा, होते हैं घाक दुश्मन तो संरक्षण देने वाले दोस्त भी। हर बार वो एक लाइन तो लगानी है आपको, मेरे बालक को ये सिखाए। ये तो टैग नहीं होती आपकी भजनों में, टैग ऐसी, ये टैग है हर जगह। आप मेरे बच्चे को सिखाएं। मैं जानता हूं कि सारी बातें झटपट नहीं सिखाई जाती, फिर भी हो सके तो उसके मन पर अंकित करें। क्या अंकित करें? नंबर वन, पसीना बहाकर कमाया गया एक पैसा भी भ्रष्टाचार से मिली संपत्ति से मूल्यवान होता है। आप उसके मन पर अंकित कर दें, छाप छोड़ दें उसके मन पर, मानो ऐसा प्रिंट हो जाए कि जिंदगी में बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, आईपीएल का सट्टेबाजी से पैसा कमाने की ना सोचे, कमोडिटी मार्केट में जाकर पैसे कमाने की ना सोचे, शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमाने की नहीं सोचे, म्यूचुअल फंड में कमाने की ना सोचे। ये पैसा जो परिश्रम का पसीना से कमाया जाता है ना, आपको बताए, आप बढ़िया से बढ़िया टेस्टी भोजन करें आप, उसमें वो मजा नहीं आता जो पहली बार आप अपने हाथ से बनाते हो जिसमें दो चार बार आपके हाथ जल जाते हैं, रोटी मोटी बनती है, आड़ी टेढ़ी बनती है, दक्षिण अफ्रीका का नक्शा और जैसी भी सीखती है, जैसी भी, और जब मेहनत करने के बाद आप खाते हो ना, उस जैसा टेस्ट जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता आपको। एक पैसा भी परिश्रम का कमाया गया, क्या बढ़िया, पसीना बहाकर कमाया गया एक पैसा भी भ्रष्टाचार से मिली संपत्ति से मूल्यवान होता है। आप उसके मन पर अंकित करें कि पराजय कैसे स्वीकार की जावे, और सिखाएं कि विजय संयम से ग्रहण करना, पराजय को कैसे स्वीकार करें ये सिखाएं। एक एक घंटे के लेक्चर होने पर पराजय को स्वीकार करना, असफलताओं को स्वीकार करना, हंसते हंसते स्वीकार करना, एनालिसिस करना। जिंदगी में कभी भी असफलता के बिना कोई सफल नहीं हुआ। थोड़ा और अच्छी भाषा में बोले, असफलता के बिना कोई महान नहीं हुआ। असफलता से महान नहीं हुआ, असफलता को पचाने से, एनालिसिस करने से, निर्णय शक्ति बढ़ाने से सफल होते चले गए। जी जी, वीर रस है जी सारा, मैं ऐसा नहीं, ये भैया हमारे मोड़ आए यहां से पढ़ाइयो का डंडा ना मारियो ओ भाई गदा मत बनाइयो, ए मुर्गा नहीं बनाइयो, ए बाबू कान कमजोर है खेचियो नहीं मैं ऐसा कि दुनिया में कोई संकट ही नहीं आए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, जिन्हें शादी करना हो, लड़का हो या लड़की, वो पहले ट्रेनिंग ले लें हमसे मैं रियली मैं कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि आप क्या क्या पढ़ा। मैंने गृहस्थ जीवन लिखा है पूरा 300 पेज का गृहस्थ जीवन, मैंने 99% सोच शायद आपकी होगी भी नहीं कि उसमें जो लिखा है। और इसीलिए फिर जब शादी हो जाती है ना, चारों खाने चित हो जाता है आदमी, फिर मजबूरी में करते हैं बेचारे, निभाते हैं, निभते हैं, लड़ते झगड़ते रोते गाते, बहुत मुश्किल से जिंदगी जीते। मैंने अच्छी जिंदगी नहीं जीती, एक कह रहा हूं, शादी करो तो पहले उसको पढ़ लो अच्छी तरह से। आइए, पराजय कैसे स्वीकार की जाए उसे सिखाएं, और सिखाएं कि विजय संयम से ग्रहण करना। इस मामले में पूरे भारत की तारीफ हो रही विश्व में। अयोध्या का निर्णय आने के बाद हिंदुओं ने, मुसलमानों ने जितना संयम दिखाया, एक भी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। नहीं तो ये बात बहुत सोचना भारी थी। कश्मीर के मामले में एक भी व्यक्ति के लिए गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई मारकाट नहीं हुई, माने कोई कल्पनातीत बात है। माने ये दो क्षण अभी ऐसे निकल गए अपने, अगस्त 5 अगस्त से अभी तक दो दिन पर सब कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन चौथा काल जैसा बीता एकदम बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात है। 6 दिसंबर के दिन जो घटना हुई थी मस्जिद की, बाबरी मस्जिद वाले कांड 1992 में भोपाल में, उस समय रिकॉर्ड तोड़ कर्फ्यू लगा था। रिकॉर्ड तोड़ माने 1947 की आजादी में भी इतना कर्फ्यू नहीं लगा था, दंगे फसाद तब भी हुए थे लेकिन इतना बड़ा कर्फ्यू नहीं लगा था, लेकिन उस समय इतना तो कर्फ्यू लगा था। पहली बार हमें जेल का आनंद आया था कि कमरे के अंदर दो कमरा में कैसे बंद रहो और कैसे लपटा और रोटी खा रहा हो सब्जी नहीं, दूध नहीं, फला नहीं, मैंने जेल से भी बड़ा आनंद था वो, मतलब
ऐसा लगता था वास्तव में सड़क पर पैर रखना माने कितना आनंद होता होगा। इतनी मुश्किलें बीती थी उस समय मैं भोपाल में था, कैसे छिपते छिपाते रात को 5:30 बजे गुप्त छुपा के भाग करके रेलवे स्टेशन गए थे किसी तरह और बीडी साहब पहुंचे थे। मतलब हमारे मतलब ये दो केस के निर्णय आने के बाद बहुत संयम रखा, ये होना चाहिए। आगे देखिए, आप में शक्ति हो तो सिखाएं, क्या सिखाएं, उसे ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, और कहें गुंडों से मत डर, गुंडों से मत डर, उन्हें झुकाना ही पुरुषार्थ है। सारा विश्व अन्याय करता हो तो तू न्याय कर, ये तेरा पुरुषार्थ है। तेरे देखते देखते गलत बातें नहीं चलनी चाहिए, ये तेरा पुरुषार्थ है। भारत में किरण बेदी हुई, अभी है राज्यपाल है किरण बेदी, किरण बेदी ना, वही तो मैं कौन सा नाम ले रहा था। मैंने कल परसों का स्टेटमेंट पढ़ा राज्य उसका मंत्री का, मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री थर्रा रहा है, डरा डर रहा है। उन्हें एक महिला है पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में फेमस, थर्रा के रखा है उसने उनको, प्यार जेल को ऐसे सुधारा उसने। ये तेरा पुरुषार्थ है, सुन रहे बेटी, सभी लोग ध्यान से सुनना ये बात। आप नौकरी करने जाओ तो इस शर्त पे जाओ कि आप देश छोड़ सकते हो लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेईमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3-4 दिन पहले वो एक्सपायर हो गए, क्या नाम था चुनाव अधिकारी से बहुत बड़े हो, हाँ सेशन, बहुत स्थान है मेरे हृदय के लिए, बहुत 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 हृदय में स्नान, मतलब बिल्कुल। मैं ऐसे बोलता था ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ना कांग्रेस के बीजेपी के, इनके बोले इनका तो मैं नाश्ता करता हूँ रोज, झुका नहीं बिल्कुल, हिला के रख दिया उसने सबको। आइडेंटिटी वोटर कार्ड नहीं बनेंगे चुनाव नहीं होंगे, वोटर कार्ड चाहे कितने ही पैसा लगे कुछ हो, मैंने जितनी धांधली होती थी बिहार के चुनावों में और इधर उधर सारी धांधली खत्म कर दी। लालू ऐसा थर्रा था उससे, इतनी गालियां देता लालू टीएन सेशन को, पूछो नहीं। लेकिन चाहे कुछ हो, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, एक तुम्हारे इधर एक्सपायर हो गए, वो भी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे महाराष्ट्र नगर निगम के, खैरनार था कि नयनार ऐसा कोई नाम था, बहुत बढ़िया नाम था उसका, हाँ बहुत बड़ा अच्छा नाम एक उस व्यक्ति, मतलब कुछ लोगों के नाम सुनते ही तबीयत खुश होती है। एक तुम्हारा वो अभी आजकल आनंद है 30 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, मैंने एक तबीयत खुश होती है अच्छे लोगों को, आनंद कुमार का नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नाम। बेटी तुम्हारा नाम ऐसे अमर होना चाहिए, जे नहीं अब हम तो मांग नहीं रहे, भी अपने आप ही दे जा तो अब धारी हम कहां कर दे जाए, कैसे दे जाए। इतना बढ़िया लगा आजकल अखबार में आ रहे हो, एक विद्युत बिजली का इंजीनियर को विद्युत विभाग में उसने लिख रखा है आई एम नॉट करप्टेड, मुझे आप घूस देने की कोशिश मत करो, लिख के लगा दिए इतना बड़ा आप हमें घूस मत दो। मैंने ऐसे लोगों को जानकर अच्छा लगता है। और अभी एक 60-80 लाख की रिश्वत ले रहा था, 20 लाख लेके पकड़ाया, वो बाथरूम में जला रहा उनको पानी बाहर आ पानी पैसे हो, समझ गए बेटी, बहुत सारी याद दिलाए, कभी नहीं करना जिंदगी में, रूखी रोटी खा लेना, फटे कपड़े पहन लेना, बीमार हो तो तड़प के प्राण छोड़ देना, ये अन्याय का एक पैसा नहीं है। और गुंडों के सामने झुकना नहीं, राम बनूंगा हाँ, रावण नहीं बनूंगा, रावण को सपोर्ट नहीं करूंगा, सपोर्ट समझ गई, तारीफ तक नहीं करूंगा, पैसा मत दे देना कि ले ले मजे ले ले जीवन के, राइट। मेरे से बहुत डरते थे कॉलेज के प्रोफेसर। चलो आगे, तुम करा सको तो उसे पुस्तकों के कितनी अच्छी भाषा, देखो तुम करा सको तो उसे पुस्तकों के आश्चर्य लोक की सैर अवश्य कराना, किंतु उसे इतना समय भी देना जो आजकल नहीं दे रहे, इतना समय भी देना कि वह देखे पक्षियों की आसमान तक उड़ान,
सुनहरी धूप में उड़ने वाले भ्रमर और हरी भरी पहाड़ियों के ढालों पर डोलने वाले छोटे मोटे फूल। मेरे ख्याल आज के बच्चों को नहीं, 6:30 बजे उठ के जी उसको बेचारा ऊंगे ऊंगे में उसमें घुसा देते हैं बाथरूम में और जैसे वैसे नीला को झटपट निकाल दूंगे बेचारे को। आप कभी एक काम करना, सड़क पे वो बसें जब निकलती ना देखना आप, लगभग मेरे ख्याल से 90% बच्चे 90% बच्चे बिल्कुल सोते हुए जाते हैं। और स्कूल में भी आप जाके देख सकते हैं जो बच्चे बेचारे वो क्लासरूम में चौड़ी चौड़ी आंखें कर करके देखते बेचारे, जो पीरियड समझ में नहीं आते उनमें तो बेचारे क्या करेंगे बताओ। आई बात समझ में आ रही? देखो आप उन्हें इतना समय भी देना, आश्चर्य लोग की शेर अवश्य कराना और इतना समय देना कि वो देख सके पक्षियों की आसमान तक उड़ान, सुनहरी धूप में उड़ने वाले भ्रमर और हरी भरी पहाड़ियों के ढालों पर डोलने वाले छोटे मोटे फूल। आगे देखो, विद्यालय में उसे ये सबक मिलने दें, धोखे से प्राप्त सफलता की अपेक्षा सत्कार्य से प्राप्त असफलता भी श्रेष्ठकर है। धोखे से मिली हुई सफलता समझ गए? सुन रहे हो बच्चे लोग? बच्चों को सुनाओ स्पेशल, बोलो धोखे से मिली हुई सफलता। कोई आपसे क्या पेपर आउट हो गया मेरे पास है लेना? नहीं नहीं लेना, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, पूछना नहीं किसी से, क्या कहें नकली सफलता नहीं। टीचर जब पढ़ा रहा तब हंस रहे और बाजार से अगर गाइड ले आए होमवर्क उसमें से कंप्लीट कर ले, जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है आपने होमवर्क कर लिया, कॉपी जच गई, लेकिन वो गलत है। आप टीचर से ही सीखिए। मुझे समय बहुत दुख होता है, अपनी संस्थाओं में जाते हैं हम सभी जगह, वो सब 10 डेज और 20 डेज और 7 डेज क्या क्या कहलाती सीरीज, इतना दर्द होता है। मैंने इस मार्ग के बच्चों से कहा, कोटा में कहा, सब जगह कह रहा हूं बच्चों से, बेटा तुम और कम नंबर अजान चल जाएंगे लेकिन तुम पूरी बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मूल कारण है टेक्स्ट बुक। मैंने कोई 20 सीरीज 10 सीरीज सक्सेस वो कभी नहीं पढ़ी कभी, लेकिन 8-8, 10-10 बुक साल भर में, मैंने एक एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक वो धड़ल्ले से पढ़ी, खूब पढ़ी और उसी ने मुझे प्रोफेसर बनाया। आज जो एनालिसिस करना आ रहा है ना, जो मेरे नोट्स वगैरह बनाना आ रहा है वो मेरे प्रोफेसर बनने की वजह से आए। और प्रोफेसर बनना मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर जो 5 साल मेरी पढ़ाई रही हो वो स्टाइल से हुई मेरी। सही बच्चे लोग ध्यान से सुनना बेटे, धोखे से प्राप्त सफलता, नंबर देके पैसे देकर के नंबर बढ़वा लिए, इसमें क्या दम है? और सही बात बताऊं, अब तो तुम्हारा पाप का उदय है कि तुम्हें नकली डिग्री मिलती है, पाप का उदय कह रहा हूं। हमने अपने जमाने में सुने ही नहीं 90+, 95+, 98+, अब तो ऐसे हो गए मास्टर जी जैसे वो सियाई टपक रही से नंबर टपक रही चाहे जितने मिल जाओ कहा फर्क पड़ रहा, ना स्पेलिंग देखना है ना मात्रा है देखना। अभी सही बात कह रहा हूँ, मास्टर डिग्री वाले की हिंदी अच्छी नहीं है, मास्टर डिग्री वाले की इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है मैंने। और अभी जो जब से सुबह जी आ गई ना मीडिया मोबाइल, तब से तो लोगों को स्पेलिंग 90% मिस्टेक, कहा उन्हें जी नहीं मालूम कि जैसे बाई यो यू तो बाई यो यू गायब होगा, यू बचा हुआ है और ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं उनको शॉर्टकट हो गए मैंने, वो सभी खत्म हो गए धीरे धीरे। तो अभी तो और बुरी हालत है, इन बच्चों की बेचारों की चटनी बट रही, मतलब चटनी नहीं क्या कहला रही वो क्या क्या बनाते, क्या बनाते हो धानी ये सब मेला मिलू के बनाते हो ये भेल भेल भाई में चटनी डाल दो भाई में गोल डाल दो भाई में नमक डाल दो भाई में मिर्ची डाल दो, ना इंग्लिश अच्छी ना हिंदी अच्छी ना संस्कृत अच्छी नथिंग बैड, ना मैथ अच्छा ना केमिस्ट्री अच्छी, कुछ अच्छी नहीं और सबका स्वाद नहीं नहीं बेटे हमें बहुत दर्द के साथ कह रहे हैं, बहुत बदतर स्थिति है। धोखे की सफलता नहीं लेना कभी, ध्यान रखा सफलता की अपेक्षा सत्कार्य में प्राप्त असफलता भी श्रेष्ठकर है। अपनी संकल्पना अपने सुविचार इन पर उसका दृढ़ विश्वास रहे,
अपनी विजन पर, अपने थॉट पर, अपनी इमेजों पर, अपनी निर्णय शक्तियों पर उसका दृढ़ विश्वास रहे। उसे लगना ही चाहिए कि संग ईमानदारी ही एक रास्ता है, परिश्रम ही एक रास्ता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कह रहा हूं, आप एक एक घंटा बोला जाए। शुरुआत में मैंने कुछ कहा था आपको, बिना परिश्रम के धन कमाने की कभी मत सोचना। जितना आसानी से पैसा आता है ना, करोड़ों अरबों रुपया, उसी आसानी से चला जाता है, लेकिन सब डिप्रेशन में है, भयंकर। आप क्या समझ रहे हो, जापान और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा डिप्रेशन रेट है? जहां जहां जितना भौतिकवाद है, जितनी सुविधाएं हैं, वे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में। संघर्ष करने वाले आत्महत्या नहीं करते, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, संघर्ष करने वाले आत्महत्या नहीं करते। आज तक भारत में एक भी भिखारी ने आत्महत्या नहीं की, एक भी कुली ने, मजदूरों ने, किसानों ने आत्महत्या नहीं की। यदि किसान आत्महत्या कर रहा है तो पढ़े लिखों गधों की वजह से। गधा कह के जरा बुरा शब्द बोली तो वापस ले लेता। डॉक्टर के पास यदि बेचारा मजदूर फंस जाए ना किसान, तो उसकी जमीन नीलाम हो जाए। 10 तरह की चेकअप, जे लगाए, माने 2 रुपट्टी का इलाज और जे मेडिकल, जे चेकअप। जी खतरनाक नर्सिंग होम, इनकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे वो, वकीलों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। वकील ऐसे उलझा देते बेचारे, 10-10, 20-20 साल में न्याय नहीं मिल पाता और पैसा भर भर के परेशान। अगली तारीख लिया 5,000, 3,000, 2,000, जित लुट जाए। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि जिंदगी में कोई समस्या आ जाएगी तो वकीलों के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा ये, कोर्ट में नहीं जाऊंगा, थाने में नहीं जाऊंगा। सब संपत्ति चली जाए, सब चला जाए। अब मेरे पास इतना टाइम ही इनमें सिर खराब करे। लेकिन आप लोग हमारी तरह थोड़ी निकल सकते हो संकटों में, आपको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सोचो, मैं बहुत बुरी शिक्षा प्रणाली मानता हूं वर्तमान की जो चल रही है, बहुत लुटेरी है बिल्कुल एकदम। चलो कोई नाराज हो तो मिल लेना, मेरे से समझा दूंगा मैं तो। अपने संकल्पना, अपने सुविचार, अपने दृढ़ सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। सत्य के पक्ष में भले ही दुनिया उसे गलत कहे, फिर भी उसे बताएं। सत्य के पक्ष में सारी दुनिया उसे गलत कह दी तो भी उसे बताएं। मैं भले लोगों के साथ रहे और दुष्टों को मजा चखाए। सारी दुनिया कहे तुम गलत कर रहे, तुम बेवकूफ हो, तुम लल्लू हो। पत्नी तक कह रहे तुम लल्लू हो, पापा से पैसे नहीं ले पा रहे, अपने हक की जमीन नहीं ले पा रहे, अब अपने पास मकान है मत छोड़ो, खाली मत करो। ऐसी ऐसी मंत्रा घर घर में हो जाती कभी कभी। अरे मैं एक बात कहूं, जहां प्रेम और विश्वास नहीं वो संपत्ति हमें नहीं चाहिए। और सुनो, मेरे पास प्रेम और विश्वास है ना तो सारे विश्व की संपत्ति है। सच कहता हूं, मुझे एक दिन भी घर की याद नहीं आती, पूरा देश मेरा घर है। मैं सारे देश में जा रहा हूं, मैं शायद अपने घर में भी होता ना तो इतना अच्छा पानी नहीं मिलता मुझे भी। आज पूरे देश में कहीं भी जा रहा हूं तो सब इतने प्रेम से रख रहे। मैं तो कहता हूं मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लाखों बहुएं हैं मेरी, लाखों बच्चे हैं, करोड़ों। आप प्रेम और विश्वास नहीं तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं दिल जीतना की कोशिश करो। आगे चल, भले लोगों के साथ रहें और दुष्टों को मजा चखाएं। आप कल्पना नहीं कर सकते, हनुमान जी वगैरह इतने लोगों ने रामचंद्र जी का साथ दिया, और जबकि रामचंद्र जी विद्याधर नहीं थे, रामचंद्र जी के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी एक नैतिक बल के सिवाय, और रावण के पास की विद्याएं पढ़ के देखो कितनी थी। इसके बावजूद हनुमान वगैरह ने, अपने रिलेटिव थे इनके, रावण इनका रिलेटिव है, इसके बावजूद भी सत्य का पक्ष दिया, सत्य का साथ दिया। पांडव अकेले 5 थे, कृष्ण ने उनका साथ दिया। सत्य का साथ देना, हो सकता है सत्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़े, आप अकेले पड़ जाए, सारी दुनिया आपकी आलोचना करे, मूर्ख कहेंगे, उल्लू कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन आप डरना नहीं, आप सत्य का साथ दीजिए। मेरे बेटे को ऐसा मनोबल देना, बहुत बढ़िया, सुनना कितनी बढ़िया पंक्ति है, मेरे बेटे को ऐसा मनोबल देना कि वह भीड़ का अनुसरण ना करे। भीड़ समझ गए, भेड़ चाल,
नहीं समझे होगे, बोलूं तो मैं से कौन कौन बच्चे दसवीं में है अभी? चलो ठीक है, नीचे हाथ कर ले, दसवीं वाले बच्चों को मौका इसलिए कह रहा हूं। बेटे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है भीड़ के पीछे चलना, क्या होता है इसका मतलब समझ रहे हो? सभी से कह रहा हूं, सभी लोग सुनना ध्यान से, नींद आ गई तो जगा देना सभी दूसरे को, हमारे बहुत सुनने लायक लाइन है। अब सभी तो ओने पोने का बड़ा पहना था, तो हमको हम भीड़ में शामिल क्यों हुआ उनके साथ? सभी तो वो मैथ ले रहे हैं आजकल, इस मारे को जा रहा हूं उस... इस मारे और आर्ट मैंने बच्चों में ऐसी दगी आर्ट। आपको एक बात बताऊं बेटे, एक आर्ट साइड ऐसी है जो कभी सुसाइड नहीं करती। डॉक्टर सुसाइड कर जाते हैं, इंजीनियर सुसाइड कर जाते हैं, बड़े बड़े वकील जज सुसाइड कर जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सुसाइड कर जाते हैं, लेकिन म्यूजिक म्यूजिशियन आर्ट वाले पेंटिंग बनाने वाले ये कभी सुसाइड नहीं करते। संस्कृत वाले ये सब अच्छे, यदि विशेषज्ञ हैं, आप जाके देखिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड है आर्ट, लेकिन वो जाने नहीं चाहते। अब हम क्या करें, हमारे 10 में से 9 दोस्त वे MBA कर रहे, अब तुम्हारे में दम नहीं तो भी उनके पीछे चले जा रहे, साल भर की फीस भरवा लेते हैं आजकल ठोक के। हाँ भाग नहीं सको, 2 साल का एक साल कितने भरवा लेते हैं, पूरे भरवा लिए उन्होंने। अब तुम जाओ चाहे मत जाओ, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उन्हें कोई मतलब नहीं। सच्ची घटना है जी सब, एक बच्ची बिल्कुल सिंपल, लेकिन उनकी और सहेलियों ने MBA लिया था, उसने भी MBA लिया, वो सब मम्मी पापा समझा रहे तुझे अंग्रेजी आती नहीं है, फला आती नहीं है, कहीं तो कैसे ले रही? नहीं नहीं वो मैं सहेलियों में नीचे नहीं देखना चाहती, ले लिया। तो पापा समझदार थे, उन्होंने 3 महीने के पैसे भरे, 3 महीने के पैसे भरे, बाकी बाद में भरेंगे, पहले तुम 3 महीना करो। अब 3 महीने में रो रो थे बेचारी का चुपल ले पढ़े नहीं भाई, MBA तो MBA ही होता है अच्छा ढंग का हो तो। अब वो बेचारी हैरान परेशान, अब शकल उतर रही, अब फेल हो रही, पढ़ नहीं पा रही, ढंग से कुछ कर नहीं पा रही। तो फिर आखिर अब कह रहे पापा आगे के पैसे भर दियो, तो कहना तुम कर लोगी, पहले सोच ले। तो बड़ी मुश्किल से उसे समझा पाए, क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, छोड़ने में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, भले जब 2 लाख और लग जाए लेकिन लोगों को लगना चाहिए MBA फेल। मैंने ऐसी बुरी हाल है बेटे, तुम सबसे कह रहे तुम, अब मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा इस बात के लिए कि आप कैसे डिसीजन करें कि हमें क्या पढ़ना है, किस क्षेत्र में नौकरी करनी है, हमें लायकात किस बात की है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी धार्मिक मर्यादाएं क्या है। बहुत बड़ा चैप्टर है 1 घंटे का, तब मैं आपको समझाता हूं कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए, केमिस्ट्री कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, आर्थिक स्थिति है नहीं, घर में जिम्मेदारियां बहुत हैं, ब्रेन की ग्रेस्पिंग ज्यादा नहीं है, और फिर जबरदस्ती सब ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करो, दुनिया को देख के मत जियो, अपनी ताकत को देख के जियो, अपनी परिस्थिति जिम्मेदारियों को देख के जियो। मेरे कई बच्चे मिलते हैं, मैं भला बनना चाहता हूं, सबसे बढ़िया वो IAS भला बनना है, मैं तुम समझते हो IAS क्या होता है? नहीं हम नहीं समझा, हमें जी मालूम IAS की इज्जत बहुत है। मेरे बेटा IAS की इज्जत तो ठीक है, लेकिन जाके तो देखो 24 घंटे की नौकरी होती है, 99% की बीवियां दुखी हैं IAS की, मिले आप नहीं मिलने होता। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं बेचारी पत्नी इंतजार ही करे थे रात के 2 बजे का, 3 बजे आए 4 बजे फिर चलेंगे, और दिन भर वो घंटी बजाते रहे वहां, 24 घंटे की जॉब होती है बड़ी बड़ी ये पोस्ट की, तुम क्या समझते हो? आप कल्पना कर सकते हो कश्मीर का निर्णय 370 हटाई तो वहां पर सैनिक लगे बेचारे, 24 घंटे लगे ही वहां, रिस्क है, पत्थर पड़ सकते हैं, गोली मार सकते हैं, दंगा फसाद हो सकता है कुछ, 24 घंटे खड़े रात दिन, वे तो सो रहे चलो अंदर कमरों में नहीं, जी तो खड़े बेचारे, पत्नियों को चिंता, बच्चों को चिंता, माता पिता को चिंता, दवाई खा पा रहे कि नहीं खा पा रहे, टाइम से बीमार भी होते हैं, सुखी दुखी भी होते हैं, सब बात होती है। मैं ये नहीं कहता हूं आप कायर बनो, आप में उतनी ताकत होनी चाहिए, जरूर बनो, मैं तो कहता हूं जरूर बनो, न्यायप्रिय बनो,
अच्छे लोग यदि देश में नहीं होंगे तो गलत का राज्य होगा। संघर्ष करना बुरा नहीं है, बिल्कुल करिए। आप आगे देखिए, भीड़ का अनुसरण ना करिए, किंतु जब सभी एक स्वर में गाते हो तो उसे सिखाना। मैं बहुमत में गा रहे हैं लोग तो उसे सिखाना कि तब यह उन्हें धैर्य से सुने और यह भी बताएं, उसे सुने सबकी पर छान ले उसे सत्य की चलनी से और छिलके फेंक कर केवल सत्य ही स्वीकार करे। कितनी बढ़िया बात बोलिए, सुने सबकी, अपना एनालिसिस खुद करे, सत्य को छाने, अच्छे को रख ले, छिलके को फेंक दे। इसका मतलब समझ में आया कुछ? आप किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई काम ना करें। मैं भी क्यों ना हूं, कई बार ऐसा होता है, एक शब्द मुझे तब समझ में आया, पवैया जी हमारे विधान लिखते थे और सबको पढ़ाते थे, तो जब कोई उनकी संपादन वगैरह करते थे तो वो भी तारीफ लिख देते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर जब मैंने देखा तो उसमें कमियां हैं, तो मैंने पवैया जी से कहा, इसमें तो कमी है। अरे हाँ, ये तो तुमने ठीक पकड़ा, तो हमने तो उनसे उन्हें तो करवाया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तब मैंने उनसे कहा था, मैंने डायरी में नोट किया उस दिन, प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटे? कभी किसी के प्रभाव में बैठ करके परीक्षा मत करो। राष्ट्रपति ये हीरा ही लाए होंगे, जरूरी नहीं कांच भी हो सकता है। आप राष्ट्रपति मत देखो, आप हीरे की परख करो, जिंदगी में परख न करना सीखो। आप धन्य हमारा जैन शासन, पूरे विश्व में कहीं परीक्षा प्रधान की बात नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में परीक्षा प्रधानी की बात है। द्रव्यान योग में आप परीक्षा करिए, सम्यक दर्शन परीक्षा से होता है। आप परीक्षा नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी चरणा नहीं उपालते रहो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। परीक्षा की इतनी वैल्यू हमारे यहां। और अनंत भगवान कह रहे हैं इसलिए सही है, नहीं याद आया समन बस स्वामी, बिल्कुल परीक्षा करेंगे हम आपकी। आगे देखिए, उसके मन पर मुद्रांकित करें, हंसता रहे हृदय का दुख दबाकर। क्या कह रहा है, उसके मन पर मुद्रांकित कर दे, मुद्रांकित समझ गए, सिक्का ठुका होगा एकदम। हंसता रहे हृदय का दुख दबाकर, ये कठिन काम है थोड़ा सा, लेकिन करना तो पड़ता ही है। मेरे ख्याल से शादी के बाद कोई सुखी नहीं होता, लेकिन आप लोग बहुत दबा लेते हैं इस बात की। मुझे पुराने जमाने के गाना याद रहता है, फिल्म का था, मदर इंडिया का गाना था, वो लाइन मुझे हमेशा याद आती है। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, इसमें कोई दुखी नहीं है। और दुखी नहीं हुए सब आश्चर्य हो, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर काहे हो जाते। और तुम्हें यदि कोई को लग रहा हो भ्रम से सुखी, तो फिर तो पक्के में जांच कर लेना। हाँ, सुखी कोई नहीं है, सुख का रास्ता अलग है। जब तीर्थंकरों को भी कहा कि वे सुखी नहीं हुए, और तुम सोचते ना हम सुविधा में सुखी हैं, तो सुविधा में तुम्हारे पास इतनी नहीं जितनी तीर्थंकरों के पास सुविधा होती है और जितनी चक्रवर्तियों के पास होती है, इतनी बढ़िया सुविधा तुम्हारे पास नहीं है। तो अभी उन्हें स्वभाव का सुख सुख लगता है, संयोग में सुविधाओं में सुख नहीं लगता, वो अद्भुत बात है। पर कहें उसे पर पीड़ा पर आंसू बहाने में लज्जित ना होए, अपनी पीड़ा दबा करके हंसे और दूसरों की पीड़ा में रो पड़े। सोचो कभी अपन अपने बच्चों से ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जो शुरुआत में मैंने भूमिका बांधी थी, आंसुओं में शर्म की कोई बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने कल कहा कि लोग आंसू, पुरुष लोगों को ऐसे सिखाया जाता है, तू लड़का होकर रोता है, अब बेचारा रो ही नहीं सकता। तो उसे कहा रोना चाहिए, नेशनल मैन डे ना, नेशनल मैन, इंटरनेशनल मैन डे 19 तारीख को था, तो उसने कहा कि पुरुषों को रोना चाहिए, रोने से हल्के हो जाते हैं, रोने से मजबूत होते हैं, जरूरत पड़े तो रो। मैंने उसने रोने की प्रेरणा करी, उसने हुआ, मैं रोने के लिए नहीं कहता, दूसरों की पर पीड़ा में आंसू बहाने में लज्जित ना होए, आंसुओं में शर्म की कोई बात नहीं, उसे सिखाएं
तुच्छ लोगों को तुच्छ माने और चार टुकारों से सावधान रहे, हल्के लोगों को हल्के ही जानो, हल्की बातें करने वालों को विश्वास नहीं करो, हल्की बातें करने वालों से दोस्ती मत करो, तुच्छ लोगों को तुच्छ ही समझो, भरोसा नहीं करो उनका, और चार टुकारों से सावधान रहो। चार टुकार समझ गए, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी, मैं इनके प्रति मुझे बहुत सिंपैथी होती है। यदि प्रधानमंत्री बन जाए तो सारे कांग्रेसी इनके हितेशी नहीं होंगे, सब अपना अपना रास्ता कैसे निकालें, इनसे अपना काम कैसे हो जाए वो चाहे दे। मैंने चार टुकार ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हें टिकट दो, इन्हें मत दो, चार टुकार कैसे बचो इस चीज से। मैंने सबसे कठिन तपस्या है जो मीठे बोलने वाले लोग हैं, आपको खुश करने वाले लोग हैं, आपकी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, उस समय आत्मकल्याण को बचाए रखना बहुत मुश्किल। पंडित साहब नहीं हुआ तो सच में मैं डूब जाऊं। लोग मैंने देखा, मैं जब बहुत साल की बात है, पहले सागर गया तो जिनके भोजन था वे बोले, पंडित जी मई जून की छुट्टियों में एक महीना आ जाओ तो हमारी मोड़ा मोड़ी सुधर जाए। तुम बार बार आग्रह कर रहे थे तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था जी, हम काहे के लिए बुला रहे, दो रोटी खुआएंगे, मोड़ा मोड़ी पैदा जे करें बिगाड़े जी, वो पंडित सुमत का जी आ मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर, मैंने बेवकूफ नहीं बन रहा था। अरे हमारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वो मंच पे तारीफ करी, वो माइक पे तारीफ करी, फिर मैंने जाते जाते कहा मैं सागर नहीं आऊंगा। बोले क्यों, कोई कमी रहेगी तो बता, हम व्यवस्था कर देंगे आपकी। मैंने व्यवस्था नहीं, तुमसे कोई समय दृष्टि हो गए क्या, मतलब तो अपने लिए नहीं बुलाना चाह रहे, बच्चों के लिए बुलाना चाह रहे हो, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं फंसना नहीं है। हम लोगों को लूटने वाले कदम कदम पर हैं, हम आश्रम बना देंगे, हम 1 करोड़ रुपये दे देंगे, आप चिंता नहीं करो, आप यहीं रह जाओ, काय को रह जाओ, हम जिन शासन की शरण में रहेंगे कहीं रहें, गुरुओं के चरणों में रहेंगे हम कहीं रहें, उसमें क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ लूटने वाले बहुत है। अब जो भी लूटने के धंधे हैं, मैं यदि अहंकार में आ जाऊंगा तो मेरी नाव में छेद हो जाए आश्रम बंद का, आश्रम बंद में नाव का छेद है। आजकल पता है कितने फॉलोअर है मेरे, कितनी सीढ़ी बिक गई, कितने लोग सुन रहे हैं, ये चूल्हे में जाओ फॉलोअर से को देख के खुश होना, ग्रुपिंग में बनाना, ग्रुप बनाना, अपनी सीडी इनमें खुश होना, ये बहुत दुखद धंधे हैं, बहुत दुखद धंधे कह रहा हूं। अब मैं जितना बेरक्त तो होता ना उतना मेरे संग और ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं इनको गिनता नहीं हूं, जिस दिन भी नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने अभी सोच लिया कि मुझे पंच कल्याण को नहीं जाना, और शिविरों में भी अब धीरे धीरे अवॉइड करते जा रहे। मैंने अपनी लाइफ डिजाइनिंग कोर्स की बात करी ना, तो मैंने 80 साल की लाइफ सोची अपनी, 80 में से 60 आने वाली है 3-4 सालों में, 60 से 80 मैंने 20 साल समाधि के लिए रखी, तैयारी तो 20 साल पहले से ही चल रही है उसकी, सोच रिसर्च और उस पर प्रवचन और जगह जगह हर सिद्धांत में से समाधि घटाता हूं, हर सिद्धांत में मैं आते ही वो चीज। लेकिन उस समय मैं अपने आप को बहुत सिक्योर करना चाहूंगा, बहुत बचाऊंगा, मुझे जगह से कोई मतलब नहीं, फिर प्रवचन जाना आना ज्यादा लंबा चौड़ा करना ही नहीं है। मैंने ये मैं बड़ी विजन बता रहा हूं, विजन है ये, अपने विजन के लिए जियो, दुनिया के लिए नहीं जियो। मैंने इसलिए फोन बंद किया, यदि आज फोन होता ना तो मेरी मट्टी कुट जाती। 2 घंटा प्रवचन करो, 12 घंटा हेलो, हाँ काय रो रहे हैं, रो नहीं यानी कितनी रो रही बैठी बेचारी मैंने कितने लोग, एक बार फोन आया खनिया थाना में अमेरिका से कि एक भाई ब्रह्मचर्य की भावना रख रहे हो, आपसे बात करना चाहे, तो हमने कह दो जब इंडिया आओ से मिल लियो बस इतना ही काम है इससे, मिलो नहीं मिलो तुम्हारी मर्जी। मैंने हम किसी के लिए नहीं, सीधी बात, हम अपने लिए। ख्याति लाभ पूजा में ठगाओ नहीं बेटे, अनंतवार ठगाए छेद हो गया छेद, ख्याति लाभ पूजा भी चाहे, आप नहीं लूटना भैया अपने को। वाणी अच्छी हो, आपका गायन अच्छा हो, आपका प्रवचन अच्छा हो, लुटेरे खड़े हैं, लुटेरे चार टुकार, ऐसे सावधान रहना तो बच पाओगे।
आगे चलो, कितनी अच्छी थी भाषा, तुच्छ लोगों को तुच्छ माने और चाटुकारों से सावधान रहे, उसे यह अच्छी तरह समझाएं कि करे वे भरपूर कमाई ताकत और अकल लगाकर, परंतु कभी न बेचे हृदय, आत्मा को धिक्कार करने मक्कार आए तो उपेक्षा करना उसे सिखाएं। मक्कार लोग तो आएंगे, तुम्हें धिक्कारने भी आएंगे, धिक्कारने के लिए मक्कार लोग आएंगे, लेकिन उनकी उपेक्षा करना सिखा। साहस की, परिश्रम की रूखी रोटी बहुत बढ़िया है। लोग कहेंगे तुम इतने पढ़े लिखे लो, तुम छोड़े आए सीईओ को पद, एनआरआई छोड़ के आगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो एनआरआई अमेरिका छोड़ के आगे, बहुत अच्छा लगता है। क्या ठीक है, हम अपने गांव के उत्थान का काम करें, शिक्षा का काम करें, हम पैसों के लिए बने हैं क्या? आत्मसंतोष कोई चीज नहीं है क्या? समझ गए बेटे, इसके लिए जी ना, बस सब मिल जाएगा, कोई कुछ कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा है। आत्मा को धिक्कार करने मक्कार आए तो उपेक्षा करना उसे सिखाए। उपेक्षा कर दो, उपेक्षा माने द्वेष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कहने दो अपन सत्य राह पे चलते चले जाओ, और मुद्रित करें उसके मन पर जो सत्य और न्यायपूर्ण लगता हो, जो भी सत्य और न्यायपूर्ण हो उसे पक्का पता होना चाहिए, उसे निर्णय करना आना चाहिए। मुकाबला करें असत्य का डट कर, ममता से पालन करें पर लाड़ में न बिगाड़ें उसे। टीचर के लिए कह रहे हैं, टीचर बच्चे से ममता जरूर करें, देखना ममता जरूर करें, ममता से पालन करें पर लाड़ में ना बिगाड़ें। इसमें देखिए घंटे के लेक्चर होने चाहिए, लाड़ में ना बिगाड़ें। जिन घरों में एक बच्चा होता है, अब बड़ी तपस्या चाहिए कि उसे लाड़ में ना बिगाड़ें। अब ये कहीं तो मोड़ आए बेचारे, वो टॉफी नहीं खाए तो कहा खाए, खा दी फिर दांत खराब हो जाए। नूडल, ए भाई नूडल बहुत अच्छी लगा थे, रोटी कड़ी खाए खुआई, नूडल खुआ रहे भाई, और नूडल खुआ रही। अभी एक बच्चे के आए ना, हाथों के ऑपरेशन में नूडल निकले, हाथों के ऑपरेशन में नूडल निकले, खाए मैं घुटक जा रही चबावे को काम का है। अब थोड़े दिन बाद एक मशीन आएगी, वैसे हो ये तो है, तो अभी मिक्सी है, मिक्सी में डाल दो नूडल और फिर पी जा। चबावे का तो कुछ काम ही नहीं है, मैं सीधे घुटके जा, परेशानी होती सीधे, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं उसमें। चलो, बिना आग में तपे झुलसे लोहा फौलाद नहीं बनता। आजकल की शिक्षा प्रणाली में कमी बहुत है, मेरा बस चले तो हर स्कूल में अखाड़ा हो। बच्चे लंगोट कस के यहाँ है, कबड्डी खेल रहे हैं, वो कुश्ती खेल रहे हैं, दह धनादन उठा के पटक दें, टांग खेचे, धूल में एक आध घंटा जब तक लोट वोट नहीं हुए, स्विमिंग पूल में जब तक वो नदी में नहीं नहाए, कूदे पूदे, और जब तक पेड़ों पर से अंडर डावरी ना खेले करें। तब बच्चा का ही बच्चा, फिर पिलपिले बने रहेंगे बेचारे। आज बच्चों में बीमारियां भयंकर हैं, ये जितने बच्चे तुम कह रहे ना, बड़े जिनके तुम कह रहे बड़े स्कूलों के हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े जिम का लगाए, टाई लगाए घूम रहे, तुम जितने बड़े समझ रहे, आप इनका हेल्थ रेट चेक करके देखो। मैं बड़ी शर्म सी आती है कि बच्चों के हार्ट में छेद, अभी जन्म हुआ और हार्ट में छेद, क्यों? माँ बाप में ताकत नहीं बिचारे, पिलपिले धरे तीन जनरेशन से, दम ही नहीं बिछाना शरीर में, हार्ट कमजोर, फला कमजोर, ये कमजोर, अब कैंसर निकल रहे बच्चों में, देख के दया आती है देखकर। समझ गए बेटे, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, बलवान भी बनो, बलवान भी बना लेकिन बल का दुरुपयोग मत कर। मैं तो ये जो समझता हूँ वो कह रहा हूँ आप लोगों से, फौलाद नहीं बनता कब तक, बिना आग में तपे झुलसे लोहा फौलाद नहीं बनता। अब जय वीर रस, कभी अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा तुम्हें संघर्ष करना सीखना है। मैं तो हमेशा याद दिलाता हूँ हॉस्टल के बच्चों को, तुम्हें संघर्ष करना सीखना है, ए, ए कर दे मिला है।
वो हमें रोत है, वो हमें चिड़ाहट है, वो हमें हसरत है। बिल्कुल गलत निर्माण है बच्चों का, गलत। उसे सिखाएं देश हित में अधीर और बेचैन होने का धैर्य। देश हित में अधीर और बेचैन होने का धैर्य बहुत बड़ी बड़ी बात है, सकने की घंटा चाहिए। देश हित में अधीर का मतलब क्या होता है? मतलब इन बैठ बैठे अधीर होता है, ये नहीं है। आप संघर्ष करो, सोचो देश के लिए। मैं सच कहता हूं 90% स्टूडेंट, सबसे कह रहा हूं सुनना ध्यान से, जॉब सरकारी जॉब क्यों चाहते हैं लोग? हाँ जी भाई, तुम देश हित के लिए अधीर ही नहीं हो। एक एक बच्चे का निर्माण एक एक टीचर करे ना, तो पूरा देश उन्नत हो जाए। एक चाणक्य बहुत है पूरे देश को हिलाने के लिए, और एक एक टीचर चाणक्य है, तो उस खुशी को समझ नहीं पाओगे जब तुम्हारा पढ़ा हुआ बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तुम कल्पना नहीं कर पाओगे उस आनंद का जिस बच्चे को तुमने सींचा है। हम इन बच्चों में आचार्य कुनकुन दिखते हैं, पंडित टोडामल जी दिखते हैं, इन बच्चों में बहुत दिखाई देता है। अब दिखाई देता है इसलिए लाड़ प्यार आता है। हम सब तरह की बातें खुल के करते हैं, पूछो इनसे, सब समझाते हैं, सब सिखाते हैं। मैंने हम झूठे स्वप्न नहीं देख रहे। अधीर होने का मतलब है उसमें ताकत झोंको। सब लोग कहते हो हम ट्रस्ट की नौकरी नहीं करना चाह रहे। मैंने तुम इसलिए नहीं करना चाह रहे, तुम्हें दम नहीं है। ट्रस्ट में नौकरी करने में यदि आप तपस्वी होगे तो कर पाओगे। सारा विश्व याद रखेगा आपको। प्राइवेट ट्रस्ट में अपन काम नहीं करे तो कौन करेगा? अपने ट्रस्ट में अपन नहीं करे तो कौन करेगा? वो अलग से मिल लेना, पढ़ाऊंगा कभी आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आगे धैर्य और रह सके वह निश्चल। निश्चल माने चलायमान नहीं हो। यदि फहराना हो सौर्य पता का, अपने सौर्य की पता का फहराना हो, नाम अमर करना हो, जैन शासन का नाम ऊपर करना हो, माँ बाप का नाम रोशन करना हो, तो निश्चल रहो। निश्चल डिगो मत, अस्थिर मत हो, कमजोर मत हो, जल्दी डिसीजन नहीं बदलो। निश्चल रहना मतलब अपने डिसीजन पर रिजिड रहना। और भी एक बात बताते रहे उसे, हमारा दृढ़ विश्वास हो स्वयं पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर दृढ़ विश्वास हो, तभी हो सकेगी उदात्त श्रद्धा मानव जाति पर। तब सच्ची श्रद्धा होगी मानव जाति पर। अब यहां से हम आत्मा में लगाओ, आपकी आत्मा पर श्रद्धा कब होगी आपकी? कि जब दृढ़ आत्मविश्वास हो, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हो, तब होगा आपका। चले टाइम हो गया अपना, लेटर भी पूरा हो रहा है, क्षमा करें गुरुजी। मैं बहुत कुछ लिख गया हूं, काफी कुछ मांग रहा हूं, पर देखें हो सके तो उतना करें। मेरा बेटा बहुत ही प्यारा होनहार है। वह समय पूरा भी हो गया और लेटर भी पूरा हो गया, और ऐसे एक लेटर और है, माँ का पत्र है बेटे के लिए। माने हर माँ को ये चीज, मैं एक या तो यूं समझ लो कि मैं देख रहा हूं समाज में पढ़ने में बहुत एकांत सा हो गया। जो लोग चढ़ना नहीं प्रिय है तो वो चढ़ना नहीं भी पढ़ रहे, बस जो द्रव्या नहीं पढ़े वही पढ़ रहे, जो करना नहीं पढ़े वही पढ़ रहे, जो पद्मा नहीं पढ़े वाले बस स्टोरी पढ़ रहे। नहीं, आपको सर्वांग पढ़ना चाहिए। जो उसी सर्वांग में से निकाला है, सब तरह का साहित्य पढ़ो। माता पिता का विजन ही यदि क्लियर नहीं हो तो बच्चों से अपन ये कहीं भैया अच्छे बनो, अच्छे तो अच्छे की परिभाषा नहीं समझ आई। बेटा खूब नाम करो, तब तो जी संपा नाम कैसे ऊंचो करें? सवाल एक दंडा पे नाम लिखो, पापा को ऊपर कर सकते नाम ऊंचो भाव क्या करें? नाम ऊंचो कैसे करें बता, तुम बता दो। खैर जो चर्चा की है वो सीरियस है, अपन सब मिल बांट करके सोचें, जरूर सोचें। और मेरे प्रवचनों पर एक आप प्रवचन तो नहीं है, ये व्याख्या नहीं है, लेकिन एक आपत्ति जरूर आएगी कि काढ़ू फालतू धंधे में लगाया ना, आदिकाल से यही करा तो जिंदगी चली गई। अपन आत्मा की सोचो बस, सुनो
यदि आपको द्रव पर्याय स्वतंत्रता नहीं मालूम और आप ऐसा सोच रहे तो आपको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं। जिन आचार्यों को अपना काम करना था उन्होंने समय सारथी लिखा है, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है, उन्हीं ने सारे ग्रंथ लिखे हैं। पंडित साहब ने तो ऐसी पंक्ति लिखी है, आचार्य धर्मसेन स्वामी की भावना को झलकाता हुआ, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वविशासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। इस समय इतना थिंकर यदि कोई है मुझे मेरी नजर में तो उसे पूजनी पंडित साहब का नाम सबसे ऊपर है। वे एक एक व्यक्ति के बारे में कितना सोचते हैं, एक एक विद्वान की स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, समाधि के बारे में सोचते हैं, बच्चे बच्चियों के बारे में सोचते हैं। उनकी कृपा लोक में शायद कोई है ही नहीं जिसके बारे में नहीं सोचते हो। हम सब भी ऐसे उच्च मानदंडों पर अपना जीवन यापन करें, पहले तो निर्णय करें, विचार करें। मैंने एक बात कही थी, अच्छे के बारे में हम सोचते नहीं, उसको शब्दों में डिजाइन नहीं कर पाते, शब्दों में लिख नहीं पाते। तो ये पत्र हमने लिखा है, यदि आज भी अपने आपको लग रहा हो ना कि आपके बच्चे बच्ची हो, आप ऊंचा उठाना चाहते हो, तो आज फिर पत्र लिखो, सोचो, एक महीने तक सोचो, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हो, समाज के बच्चों को क्या दिशा देना चाह रहे हो। हो सकता है और अच्छे अच्छे पत्र आ जाएं और मैं उनका भी संकलन कर सकूं। और मैं तो बहुत जल्दी सोचता हूं ये पत्र सबको पढ़ने चाहिए, मेरा पहला प्रयास है इस तरह का ही। आप लोग लाइक कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन सही में जरूरत है इसकी, चिंतन की, मंथन की। अपन ने 2014 में भाई साहब का एक साक्षात्कार लिया था, उसमें भाई साहब ने एक बात कही थी कि एक अनैतिक व्यक्ति के पास जब टैलेंट आता है तो विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मचाता है। तो आप दुनिया में जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों पर हैं, यदि नैतिक नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई वो भाई साहब बोले चूल्हे में गई। नैतिक मूल्यों के बिना चाहे वो शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वकील हो और चाहे नेता हो, बस सारी त्रासदी वहीं से आ रही हो। भले ही वो पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत तकलीफ दे। चलो, आपको अच्छी नींद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास और खुद का आत्मविश्वास सिर्फ नैतिक मूल्यों से ही आता है। ये प्रेरणा हमको बारम्बार मिल रही है। अभी कोई पूछना चाहता है? हाँ, सुदीप जी तक माइक पहुंचाइए। आदरणीय भाई साहब को चरण स्पर्श, सभी को जय जी ने। आज सुबह धर्म सभा में आया था, सभी को भोजन बैठाकर कराना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज मैं ऐसा लगता है कि 25-40% लोगों को पीठ की समस्या है, इसीलिए तो रही वो। और मैंने लिखा ही है वो भी कि पुरानी गलतियों के कारण हमें ये समस्या है। उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाई साहब हम लोग टेबल कुर्सी पे बैठा के भोजन करा सकते हैं क्या? ये आपने सुधार सोचा है डिसेबल लोगों के लिए, लेकिन जो एबल लोग हैं वो झुके पर्स हैं और नीचे ही पर्स हैं, तो आप बड़े लोगों की हो सकती तकलीफ हो, लेकिन इन बच्चों में किसी की तकलीफ नहीं है और ये जिंदगी भर झुकते रहेंगे बढ़िया आराम से, इनकी कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो फिर कहता हूं, घरों में भी टेबल कुर्सियां हटा दीजिए। और मैं एक बात और बोलूं, जैसे अभी सभा में 50% लोग ऊपर बैठे, 6 महीने आप लोग नीचे बैठने की प्रैक्टिस कर लो, मस्त हो जाओगे। कैसे करोगे मैं बता देता हूं, तरीका मैं बता। आप 1 घंटा सीधे नीचे नहीं बैठो, 5 मिनट नीचे बैठ जाओ, फिर दुखन लग रहा फिर बैठ जाओ ऊपर, फिर 6 मिनट बैठो फिर ऊपर बैठ जाओ। 6 महीना प्रैक्टिस करा, बिना पैसा में सबके इलाज हो जाएंगे। रियल कह रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इनमें से, बल्कि कछु तो इतने बढ़िया बैठे हैं ऊपर, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी फिलहाल पुण्य के उदय से, तो जरूरत भी नहीं है बिल्कुल।
लेकिन नीचे करने के लिए अपन बोलेंगे और फिर घरों में से भी टेबल कुर्सी हटना चाहिए बंदा। और एक बात बताऊं, मजबूरियां किसकी क्या है वो तो आप जाना, अब्बाग मार्ग का उपदेश नहीं होता, राजमार्ग का उपदेश होता है। अभी सबसे बड़ी बात सुनना ध्यान से, श्रावक जैन दर्शन में श्रावक अर्थात मुनि दशा की तलेटी। मैं पहले चम्मच का इस्तेमाल कर लेता था, कटोरियों का इस्तेमाल कर लेता था, तो मुझे क्या तकलीफ आई वो मुझे बताना है आपसे। तो जब मैं जाता हूँ ना तो नई नई कटोरियां निकाल लेते हैं लोग, नई प्लेट निकालते हैं नई नई, और उसमें उन्होंने दाल सब्जी परस दी। अब वो नई हुए क्या होता है, अंदर स्टिकर लगा रहता है। अब जब हम खा पी चुके तब पता लगा हमें स्टिकर चिपको है, इसलिए हमने फिर वो कटोरियां हटाई, प्लेट हटाई, उसी में लेंगे, थाली धो के लेंगे, कम से कम पता तो लगा इसमें स्टिकर है कि नहीं। कई बार नए गिलास होते हैं, आप हमारी वजह से स्टिकर हटा भी देते हैं, लेकिन उनमें राख से वो हटाते नहीं, गम नहीं हटाते उसकी। अब हम धोएंगे ना तो हमें पता लग जाएगा, इसलिए फिर हमने गिलास खत्म कर दिया, अब थाली से ही पानी पिएंगे। चट्टी हो, हम थाली चेक कर लेंगे धोने के बहाने, अब हमें पता लग गया। हमारा मतलब ये है, हम मुनि दशा की तलेटी का नाम श्रावक जीवन है, तो हम श्रावक जीवन को रोकने की कोई बात ना सोचें। हम हाथों से भोजन करें, चम्मच से नहीं करें। रोटी हाथों से सोधी जा सकती है, सब्जियां ऐसे हाथों से सोधी जा सकती है, और हमारी मुनि दशा की तलेटी है। फिर से कहता हूं, जो हाथों से भोजन सोध के करते हैं उनकी विशुद्धि लब्धि ऐसी होती है कि मुनि दशा की तैयारी होती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि सहज हमें मुनि दशा हो जाएगी। अदरवाइज जब तक हम इस तरह की डिपेंडेंसी वाले हैं तो हमारी मुनि दशा का घात हो रहा है। यदि मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं, थोड़ा करणानि योग में, तो हम प्रत्यक्षाना वर्णी कर्मों को बांधते। बाकी अच्छा है आपका सुझाव भाई साहब। आज बात जो आप समझा रहे हैं, काश हम लोगों को 25-30 साल पहले समझाया होता तो समाज के आज ये हाल नहीं होते। मैं मानता हूँ जब जागे तब सवेरा, ठीक बात भाई साहब। आप हाँ, मेरे दस बहुत कमजोर हो गए हैं। कोई बात मैं नहीं बोल पाता हूँ। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। आपने बोला ना लिख लिख करके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई साहब। आप ये जो पढ़ा रहे हैं हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर इसकी बुक छपी हो तो ठीक है, और नहीं छपी हो तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि यह बुक हम छपाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात एक और कहना था कि आज के शाम के प्रवचन में जो अपने स्कूलों की बात की होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कनाट प्रोजेक्ट में जो हमारा स्कूल बनने जा रहा है, जब स्कूल तैयार होने लग जाए और एंट्रियां होना शुरू हो जाए तो आप कम से कम 5-6 महीने के लिए आए, और हम स्कूल में एक पीरियड इस विषयों का, ये बच्चों को समझाने का पढ़ाने का उसका विषय लें, और हफ्ते में एक दिन पेरेंट्स का एक पीरियड लें ताकि ये बातें उनको समझा सके और पढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। मैं तो टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूँ, मैं टीचर को ट्रेन करता हूँ इन मामलों में, क्योंकि टीचर यदि हमारे अच्छे हो गए तो फिर बहुत काम हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। आप में से जिनको भी स्वस्थ होना हो, कुर्सी वालों से कह रहा हूँ, चेयरमैन लोगों से, रियली मेरे पास आप आई, मैं आपको 6 महीने के अंदर स्वस्थ, लगभग 99% लोग स्वस्थ हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा लगना चाहिए हमें बैठना ही नीचे। देखो, एक प्रत्यक्षानावरण क्रम बोला, प्रत्यक्षानावरण क्रम, थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ इसकी। जो लोग चाय पीते हैं ना तो वे अमाइन नहीं आना पसंद करते, क्यों? अरे भैया वहां चाय नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारी सोच डेवलप हो जाती है कि वो भैया समोसरण में हम नहीं जा सकते, वहां कुर्सी नहीं मिलेगी। कर्म कहां से कहां बनते हैं, वो समोसरण में नहीं जा पाएगा। आचार कौन कौन जंगल में होंगे, वहां तो जमीन पे बैठना पड़ेगा, तो हमें जाने का भाव ही नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक जो इम्प्लाइड है, गर्वित है, ऐसे कितने कर्म बनते हैं। बहुत मजबूरी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहें तो अभी भी स्वस्थ हो सकते हैं। मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको, लेकिन जरूर अपने कर्मों को टालना चाहिए। और जो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, काश 25-30 साल पहले मिल जाती तो हम तुम्हें मिल गए भैया। बहुत लोगों को मिल गए, ये बात अब तुम्हें शिकायत नहीं बननी चाहिए कि तुम 30 साल पहले मिलते, तो जिन्हें मिल गए लाभ उठा ले।
बोलो भाई। अब देखना ये है हमारे आलस प्रमाद में भाई साहब कटोरी चम्मच या प्लेट छोड़ेंगे या हम सुधरेंगे। हम स्पीकर अवश्य निकालें और घर जाके सब अपने बर्तन चेक करें। आपको कुछ पूछना है? अगर हम कोई ऐसी चॉकलेट खाए जो किसी जीव की तरह जीव के आकार की हो तो क्या, और हम वो लोग बोलते कि ये मैंने मुर्गा खा लिया ये खा लिया, तो क्या हमको उसका पाप लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। एक दिन बोला था अपने पाप के दिन पाठ पढ़ाया था, पहले दिन पढ़ाया था। हाँ चलिए। एकांत वादी महापापी का मतलब क्या? ये तो खैर अभी रिलेट तो नहीं हो रहा यहाँ से। एकांतवादी का मतलब होता, अभी मैंने कहा था ये कि विषय का अध्ययन ज्यादा करता रहे, सर्वांग अध्ययन होना चाहिए। जैसे मैं एक बात पूछूं, घी अच्छा होता है कि शक्कर, नमक अच्छी होती है कि शक्कर? अब बोले चला। अब देखो सर्वांग होना चाहिए, रसोई में सर्वांग होना चाहिए। ये नहीं घी बढ़िया चीज है और पंडित जी आप आए हो तो आप हम नमक कैसे खा सकते थे, हमने आप एक किलो घी खाओ एक किलो शक्कर खा ले, ऐसा नहीं होगा, सर्वांग होगा। ऐसे चारों अनियोग का सर्वांग जिंदगी में आना चाहिए, चारों अनियोग का सुमेल बिठाना चाहिए। इसका नाम एकांत महापाप है और अनेकांत अच्छा है। बहुत बढ़िया। लो भाई आज का अंतिम प्रश्न जी, बच्चा पूछ रहा है अभी खड़े हो जाओ कोई बात। अगर हम लोग कोई चॉकलेट खाते हैं तो जिसमें ग्रीन डॉट भी हो पीछे ग्रीन डॉट नहीं रहता क्या? बोलो बोलो बोलो। तो उसका भी पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए ग्रीन डॉट के बाद भी वह चीज भक्ष है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। असल में क्या है, कई चीजें ऐसी हैं जो रसायन के नाम पर आ जाती है लेकिन आती है मांसाहार से निकल करके। और मैं एक बात कहता हूं, आप घर में बना लीजिए, क्या कौन सी चीज है जो घर में नहीं बन सकती? आप सिखाने की बात कहने की बात है, मैं कितने प्रकार की गोलियां आप घर में बना सकते हो, कितने प्रकार की टॉफियां बना सकते हो घर ही में, करना कुछ नहीं रहता। आधा संतरा दूध में छोड़ दे, मतलब पहले वो बन जाने दो, शक्कर में आधा संतरा कर दो, शक्कर की चाशनी में गोलियां बन गई शक्कर की, वो कौन संतरे की गोली, मौसम्बी की गोली, मैंगो की गोली, केरी की गोली, सब जरा सा फेंटो डाल दो निपट गई गाड़ी। अब इतने में तो बन जाती चीज, मैंने आइसक्रीम में बनाना है 100 तरह की आइसक्रीम घर में ही बना लो, 100 तरह की, दूध पहले कर लो और फिर सबको ऐसे ऐसे निकाल निकाल के डाल दो, कोई सा भी रस डाल दो कभी तमाम। मेरे बच्चों को कहीं बाजार की खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है और बोला पंडित जी, एक कंफ्यूजन है कि आपने अभी बोला कि अपने विजन के लिए जियो, दुनिया के लिए नहीं, और एक बार आपने बोला था कि है ना जो अपने से बड़े हैं उनके लिए, मतलब अपन को अपने से पहले दूसरों के बारे में, अपने से बड़ों के बारे में सोचना चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन है कि अपने लिए पहले सोचे कि बड़ों के लिए पहले सोचे। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बेटी। यही अनेकान बात का कमाल है कि जब हम अपने लिए जीते हैं ना तो उससे सब खुश होते हैं, हम सबके लिए जीते हैं तभी हम खुश होते हैं। हमारा विजन अकेले का नहीं है, कलाकंद खाओ आड़ में दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कलाकंद ही ऐसा है कि जो सबके साथ मजा आता है। एक काम करो, कभी पिकनिक करने गए हो अकेले, अकेले माल ले गए खूब और अकेले में सूत रहे, मजा ही नहीं आता। मजा तो जब आता है जब 10-20 लोग हों और एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही हो, परस रहे हों, और अब मान चलो उसमें 10 लोग हैं और एक आदमी कंजूस है या उसके पास जो आइटम है बड़ा स्पेस है उसे पसंद है, वो खिलाना नहीं चाहता, तो 10 आदमियों में से 9 हंसेंगे और वो नहीं हंस पे, वो डब्बा में छिपाए बैठो, जी सब उठ जाएं, जी चले जाएं, तब हम खाएं, बेचारे 9 में से वो एक नहीं हंस पा रहा 10 में से, अब 9 हंस रहे खेल रहे, अब ये धीरे धीरे खा रहे चुग रहे, अब धीरे धीरे कहा कि अब फिर वो उनसे कह रहे तुम सब जने चलो हमारे नहीं नहीं अपन संग ही चलेंगे, अब ऐसे ऐसा लग रही है आज अच्छी आबद आ गई है बैठेंगे, फिर किस बहाने से करें, और किसी बहाने से भी गए इतने जल्दी चल लो जल्दी खाया, सही बताना मजा आया, और इतने में भी लोग लौट आए
उन्हें पतवाई थी सोने गई का ए हम भूल गए तुम्हें दे बता पिकनिक का मजा आ सकता है। अरे सबको खिलाने में आनंद है। एक एक बढ़िया डायलॉग बोलता हूँ बढ़िया डायलॉग द्रव्यानियों कहता है हम ना किसी के कोई ना हमारा और चरणानियों कहता है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन दोनों अनियों का सुमेल है। जैसे आज मैं अपना भी आनंद ले रहा हूँ ना और ये आनंद आप सबसे बांट भी रहा हूँ तो सबका ही भला हो रहा है और मेरा आनंद तो हो ही रहा है। तो ये आनंद ही कुछ अद्भुत जाति का है कि सम्यक दर्शन भी होता है और सारा जगत आनंद करता है। केवल ज्ञान होता है और सबको आनंद देता चला जाता है। इसलिए कभी मत सोचो कि हम अपना विजन ही ऐसा है जिसमें स्वयंपर का हित अपने आप होता है। वेरी गुड। समय पर्याप्त हो गया है। आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे और आप ठीक समय पर आए तो और ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुबह भी हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक सूचना सिर्फ इतनी देनी है अभी इस प्रोग्राम की जिनको SMS व्हाट्सएप द्वारा सूचना मिल गई है वो तो अच्छी बात है। जिनको हमारी सूचना नहीं मिल रही हो काउंटर पे फॉर्म है छोटा सा उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए नाम फोन नंबर और एड्रेस। कुछ प्रिंट होगा तो आपके घर तक पहुंच जाएगा और अन्यथा आपको व्हाट्सएप से या SMS के द्वारा यहां से सूचना दी जाएगी। तो एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट नए प्रोग्राम यहां होते रहेंगे। जैसे भाई साहब ने भी एक बीज बोया है वर्कशॉप का तो हो सकता है एक आध साल में आपको बढ़िया एक बृहद वर्कशॉप आपको देखने को मिले। तो चूंकि कोई भी इवेंट आपसे छूट ना जाए इसलिए आप उस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म के अंत में एकदम लास्ट में नीचे राशि लिखी होगी वो राशि का ऑप्शन भरना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो भर सकते हैं और चाहें तो ना भरें एक सूचना के लिए। राशि के लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी जिनवाड़ी स्तुति।